बच्चों नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर वन का आगे का पार्ट करेंगे। तो इसमें देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें बीकर के अंदर आइस डाल रखी है और एक ग्लास स्टेनर है, जिससे क्या करेंगे अपन आइस को थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे। ओके, एक थर्मामीटर लगा हुआ है, एक बर्नर स्टैंड लगा हुआ। अब इसको क्या कर रहे हैं, बीकर को थोड़ी थोड़ी हीट दे रहे हैं। ठीक है, जब हीट देंगे तो ये आइस जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होते किस में होगी, लिक्विड के अंदर, लिक्विड स्टेट आएगी। लिक्विड स्टेट से और ज़्यादा अगर इसे हम हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, वेपर के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये एक एक्टिविटी है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर सॉलिड में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या है वो भी इंक्रीज होगी। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और पार्टिकल जो होंगे सॉलिड के वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग करेंगे विद ग्रेटर स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, वो अपनी फिक्स पोजीशन को क्या धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और क्या करेंगे वो फ्रीली क्या है मूव करने लग जाएंगे। स्टेज एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी स्टेज पहुंचेगी जब क्या होगा, सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों ये डेफिनेशन आती है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नॉर्मल जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का होता है 273 केल्विन। ठीक है, कितना होता है 273 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की जो प्रोसेस है दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट किस में हो रहा है चेंज, लिक्विड स्टेट में हो रहा है, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो ये क्या है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों गलना, है ना। तो जैसे आइस थी सॉलिड थी वो धीरे धीरे क्या गल रही है, गलना स्टार्ट होगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो किस में पहुँच जाएगी, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कर रहा है, आइस कर रहा है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इज गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इज गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी द रिक्वायरमेंट टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, यानी कि जितना अमाउंट हमें हीट एनर्जी को चाहिए दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड में, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इज मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्ट करने में, इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गया फ्यूजन, यानी कि हिडन हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट ए सर्टेन टेम्परेचर, ए पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ऑफ ईच अदर एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब ऐसा टेम्परेचर आएगा कि लिक्विड किस में स्टार्ट होने लग जाएगा, गैस में चेंज होने लग जाएगा। दिस टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब वो लिक्विड क्या हो गया, बॉयल होकर के एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें वो लिक्विड क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो बच्चों, वाटर वेपर एट 373 केल्विन मींस 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। हम क्या करेंगे, और ज़्यादा मोर एनर्जी इसको देंगे। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम, वो किस में पहुँच जाएंगे, स्टीम में आ जाएंगे, हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी, और एब्जॉर्ब करेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए एक डायग्राम बना, सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो रहा है, हीट से लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड आगे किस में हीट से हो रहा है, गैस स्टेट में। गैस को कूल करेंगे तो किस में वापस से लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट से वापस किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट। ओके बच्चों, ये आज हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट, ठीक है, ये सारा रीड किया। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास की एक्टिविटी नेक्स्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए,
ये सब्लिमेशन प्रोसेस है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है कि ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाता है गैसेस स्टेट में। तो ये एग्जांपल किसका है, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक्टिविटी देखिए हमने क्या किया, कैम्फर ले लो, ठीक है, या अमोनियम क्लोराइड ले लो, इसको क्या किया एक चाइना डिश के अंदर पुट कर दिया और उसके ऊपर रख दिया एक इन्वर्टेड फनल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बर्नर से, तो ये क्या कर रहा है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में आ रहा है, गैसेस स्टेट में आ रहा है। और ऊपर की तरफ क्या लगा रखा है, कॉटन का प्लग लगा रखा है। तो देखिए इन्वर्टेड फनल है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, जो सॉलिड में था वो गैसेस में आके क्या करेगा, जो इन्वर्टेड फनल रखी हुई है उसकी वॉल पे, उसकी दीवार पे आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें वेपर आपको, अमोनियम क्लोराइड की वेपर आपको दिखेगी ना ऊपर जाती हुई। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये किस में आती है, सब्लिमेशन प्रोसेस। कोई भी चीज़ अगर वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो रही है, गैसेस स्टेट में हो रही है, तो वो किसका एग्जांपल होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस का होता है। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है, एक सिलेंडर जैसे तीन सिलेंडर दिखा रखे हैं आपको, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन उस पर अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर, पार्टिकल ऑफ मैटर। पहले क्या थे, गैस थी, गैस पे क्या कर रहे हैं हम, पिस्टल पे क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, वो तो धीरे धीरे क्या हो, कंप्रेस हो रहे हैं, कंप्रेस होकर गैस के पार्टिकल किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड के अंदर। फिर सेकंड में देखिए थोड़ा सा कंप्रेस किया तो गैस के पार्टिकल क्या थे, क्लोज आ गए, फर्स्ट वाले में क्या थे, दूर दूर थे, सेकंड वाले में बिल्कुल पास पास आ गए, और थर्ड में बिल्कुल ही क्या हुआ, गैस के पार्टिकल पास में आ गए और किस में बदल गए, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए। ठीक है बच्चों, तो देखो अप्लाई द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। तो ये लिक्विफाइड गैस को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस करके उसको किस में चेंज कर सकते हैं, हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। हैव यू हेयर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ स्टोर अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड CO2 गेट कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसेस। तो CO2 क्या है, जो सॉलिड CO2 होती है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है, गैसेस स्टेट में होती है, ऑन डिक्रीज ऑन प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों, सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जांपल है। तो CO2 जो है सॉलिड फॉर्म में वो किसका एग्जांपल है, सब्लिमेशन प्रोसेस। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। ये बच्चों एक जो चार्ट दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो सॉलिड स्टेट है डायरेक्ट किस में हो रही है, लिक्विड में हो रही है। तो ये क्या है, अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो फ्यूजन प्रोसेस होती है, लिक्विड सॉलिड में आता है तो सॉलिडिफिकेशन होता है। ओके, लिक्विड अगर गैसेस स्टेट में जाता है तो ये वेपोराइजेशन होता है, और गैस अगर लिक्विड में जाती है तो कंडेंसेशन होता है। सॉलिड अगर गैस में सब्लिमेशन, और गैस अगर सॉलिड में हो रहा है तो किस में हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस। आपने देखा होगा वहाँ वो जो हमने कैम्फर का एग्जांपल लिया था, यहाँ देखिए कैम्फर का ये डायरेक्ट किस में, सॉलिड में थी, और बाद में किस में, गैस में होगी, गैस में जाकर जो फनल की जो वॉल पे जाके चिपक रही है, तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में वापस आ रही है ना। तो ये किसका एग्जांपल, मुझे चार्ट याद रखें। ठीक है, थैंक यू।